महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण और निजीकरण को लेकर विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने सरकार पर जमकर हमला बोला। जौनपुर शाहगंज 365 विधानसभा शाहगंज के सपा प्रत्याशी, शाहगंज के विधायक व पूर्व ऊर्जा एवं नियोजन राज्य मंत्री शैलेंद्र यादव ललई ने महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण और निजीकरण को लेकर विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता जड़ से उखाड़ फेंकेगी। मैं लाइव टीवी समाचार से क्राइम ब्यूरो चीफ जौनपुर राम नरेश प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय मैं शाहगंज के विधानसभा प्रत्याशी जो सपा से हैं शैलेंद्र यादव ललई जी, पूर्व ऊर्जा एवं नियोजन राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हम यहां कुछ मुद्दों को लेकर के आए हैं इनके पास और हम जानना चाहते हैं कि ये जो विधानसभा चुनाव है विशेष करके शाहगंज का, ये किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, कृपया विधायक जी बताइए। देखिए, जो मुद्दे पूरे प्रदेश के हैं वही मुद्दे इस जनपद के भी हैं, इस विधानसभा के भी हैं। सबसे बड़ी बात महंगाई, बेरोजगारी, सरकार में बैठे हुए लोगों का, अधिकारियों का भ्रष्टाचार, लोगों के साथ न्याय न हो पाना, और सबसे बड़ी बात है इस सरकार में वर्ग और जाति के आधार पर जो अन्याय हो रहा है, ये सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। जी, आरक्षण पर से संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, आरक्षण पर हमला हो रहा है, सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश की जनता डबल इंजन की योगी और मोदी की सरकार को पहले उत्तर प्रदेश सुखाड़ फेंकने का काम करेगी, उसके बाद देश सुखाड़ फेंकने का काम। जी, आरक्षण कहाँ कहाँ केंद्र और प्रदेश सरकार लागू नहीं कर रही है, संक्षेप में बताइए। यार आप बताइए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, मैंने स्वयं मामला विधानसभा में उठाया था, 69,000 में 17,000 जिन लोगों को होना चाहिए पिछड़े और दलित लोगों को, उनको न भर करके अन्य लोगों को भर दिया गया, जिसके विरोध में छात्रों ने जब अपनी बात रखी उन पर लाठियां चलाई गई और जिस तरह से उन्हें पीटा गया जैसे लगता था दूसरे देश के नागरिक। जी, लाठी चार्ज कराने का क्या मतलब है इस तरह से? जब हम लोग विधानसभा के बाहर जब धरना देते हैं, किन्हीं मुद्दों को ले गए नारा लगाते हैं कि जब जब जोगी बाबा डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है। यह तो लोकतांत्रिक अधिकार है, हर किसी को बोलने की आजादी है, यही तो हम चाहते हैं कि हर किसी को बोलने की आजादी हो। पिछड़ा भी बोल ले, दलित भी बोल ले, अकलियत का भी बोल ले, और संवैधानिक रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान इस देश को दिया है, समता का, समानता का, वो लागू हो, सबको समानता समता का अधिकार हो, सबको हक और अधिकार मिले। सड़कें 10 दिन में ही बनते ही उखड़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जांच नहीं होती है, क्या कहना चाहते हैं? जब ऊपर से नीचे तक